स्थापना यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज स्टोरी टू कैट्स एंड ए मंकी। आपने हिंदी में ये पढ़ाई होगा, दो बिल्लियाँ और एक बंदर की कहानी आपने पढ़ी थी, जिसमें दो बिल्लियाँ होती हैं, एक रोटी के पीछे लड़ती हैं ब्रेड के पीछे, ठीक है ना। वो ब्रेड के पीछे लड़ती हैं तो बीच में बंदर आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारा जज बन जाता हूँ, मैं न्याय दूंगा आप लोगों को। तो बीच बीच वो खाता जाता है उनकी रोटी और थोड़ी सी बचती है, फिर वो भी खा जाता है। वो बिल्लियों को पता चलता है उल्लू बना रहे हैं, तो वो कहते हैं जिन्होंने जो हमारा खाया है हमको वापस लौटा, तो वो जो छोटा सा पीस बचा होता है वो भी उठा के खा लेता है। वो कहता है नहीं, अब तो तुम्हारा मैं जज बना था, ये उसकी फीस थी। तो अब मैं आपको इसकी इंग्लिश में फिर पूरी तरह से हिंदी बताती हूँ आपको इसकी। वन डे टू कैट्स फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड। एक दिन दो बिल्लियों ने एक ब्रेड का टुकड़ा, दो बिल्लियों को एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। दे डिवाइडेड इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दोनों ने उसको दो इक्वल पार्ट्स में, दो हिस्सों में बांट दिया, बराबर के हिस्सों में बांट दिया। दे स्टार्टेड क्वारलिंग। वो आपस में लड़ने लग गए। सीइंग ऑल दिस मंकी ऑफर टू एक्ट एज ए जज। ये सब देखते हुए मंकी ने उनको कहा कि मैं तुम्हारा ये लड़ाई का निपटारा निबेटता हूँ, मैं जज के रूप में मैं देखूँगा भाई किसको ज़्यादा हिस्सा आया किसको कम। द कैट बिकम रेडी। जो कैट्स थी वो राजी हो गए। ही कट द बिगर मोर देन नेसेसरी एंड एट इट। उसने क्या किया, एक बड़ा सा हिस्सा काटा, जरूरी नहीं था उससे भी बड़ा हिस्सा काट के उसको खा गया। नाउ द अदर पीस बिकम बिगर। अब दूसरा जो पीस था वो बड़ा हो गया, उसने क्या किया उसमें से भी ही कट ए पीस फ्रॉम द बिगर पीस एज बिफोर। जैसे उसने पहले बड़ा सा टुकड़ा काटा था वैसे ही काटा और खा गया। नाउ इट बिकम स्मॉलर देन अदर। अब वो जो दूसरे वाला पीस था जो उसने खाया था उससे भी छोटा हो गया। दस द पीसेस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ऐसे क्या हुआ, जो पीस था ब्रेड का वो छोटे से छोटा होता गया था। कैट अंडरस्टूड मंकी ट्रिक। अब जो बिल्लियाँ थी वो बंदर की, अरे जो ताला की थी उसको पहचान गई। दे डिमांडेड देयर पीस बैक। उन्होंने उससे कहा बिच्चू ने जो हमारा ब्रेड का टुकड़ा खाया है वो हमें वापस कर। द क्लेवर मंकी एट द लेफ्ट पीसेस सेइंग दैट इट वॉज अ रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर। अब जो बंदर था उसने क्या किया, बाकी का जो छोटा सा हिस्सा पड़ा था उसको भी खा गया और उसे कहा कि ये इनाम है मेरा, मैं जो तुम्हारे लिए मैंने काम किया जज बना उसके लिए ये मेरा इनाम है। मोरल बी अवेयर ऑफ रॉबर इन द ग्रैब ऑफ ए संत। आपने कहते हैं ना संत के झोलों में डाकू से बचो, तो ये वो बात है। बंदर बांट होगी ना, ये बंदर बांट हो गई। अगर दो इंसान लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा हमेशा तीसरा इंसान उठा लेता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में ही जो हमारी समस्याएं होती हैं उनका निपटारा कर लेना चाहिए। इसमें जैसे बताया अभी बिल्ली है, बिल्लियां हैं दो, उनको एक दिन ब्रेड का टुकड़ा मिलता है, वो दोनों उसको दो हिस्सों में बांट देती हैं बराबर हिस्सों में, फिर भी वो लड़ने लग जाती हैं। अब ये बंदर ने देख लिया, बंदर ने अब उनकी वो चिकन चिल्ली का फ़ायदा उठाना चाहा, वो उनका जज के रूप में काम करने लग गया, न्यायाधीश बन गया वो उनका। अब जज बनने के बाद वो ब्रेड को खाता गया और छोटा सा पीस छोड़ दिया। तब तक जब तक वो बिल्लियों को समझ में आता, जब बिल्लियाँ उसकी प्लान को समझ गईं तब तक तो वो मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं था उसने। और जब बिल्लियों ने उससे उसका हिस्सा मांगा जो भी तू खा गया वो दे हमको वापस, तो उसने मना कर दिया और जो बचा हुआ हिस्सा था वो भी खा गया। वो कहता है अभी मैंने तुम्हारे लिए काम किया, जज का वो किया, रोल किया, तो मुझे मेरे काम का ये इनाम मिला। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो जनों की लड़ाई में तीसरा हमेशा फ़ायदा उठा के चला जाता है, जो संत के रूप में डाकू होते हैं उनसे बच के। ठीक है, ये स्टोरी आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।